आरती आरती उठ जाओ, टाइम हो गया है। आरती पता नहीं कहाँ गई। यो पापी सुनिए, मेरी बेटी को क्या हो गया? कोई मेरी बेटी को बचा लो। हे भगवान, तुम कैसी हो? I'm fine सिद्धू, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए? ओ, खत्म हो गए? तब तो मुझे स्कूल ले जाना होगा, होमवर्क कराना होगा और सेल कराने के लिए तुम्हें कंपनी देनी होगी। बिल्कुल देंगे। अच्छा मम्मी कहाँ है? सुनीत, हे इतने स्मार्ट लग रहे हो। हाय भाभी। दाढ़ी, मूंछ, हेयर स्टाइल बिल्कुल हीरो लग रहे हो। आप कैसी हो भाभी? किसी की नजर लगे उसे पहले घर के अंदर चलो। जाओ भाभी, चलो चलो। गुड मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है? तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? कुछ नहीं, आप गहरी नींद में सो रही थी, मैंने सोचा आज एक दिन मैं ही। अब से किचन की तरफ मुंह भी किया तो मार पड़ेगी। भाभी की मार भी लगती है? ऐसे मारूंगी कि चोट लगे। गुड मॉर्निंग स्वीटी, होमवर्क करना ना, चलो उठ जाओ। मम्मी उठ गई क्या? मम्मी नहीं नहीं उठी अभी, तो आ जाओ एक छोटी सी नींद और हो जाए। ए छोटी उठ। हिटलर आ गए, बचाओ बचाओ। भाभी नहीं, भाभी भाभी नहीं, भाभी लग रही है भाभी। जल्दी से नहा लो, जल्दी। मैं तुम्हें बुद्धू बुद्धू कह के डांटू तो? मैं भी तुम्हें बुद्धू बुद्धू कह के डांटूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें गंजी गंजी कह के सर पे मारूं तो? मैं भी तुम्हें गंजा गंजा कह के सर पे मारूंगी। मैं तुम्हें प्यारी प्यारी पप्पी दूं तो? मैं भी तुम्हें प्यारी प्यारी पप्पी दूंगी। That is Newton's third law. For every action, there's an equal and opposite reaction. Very good. अच्छा होगा तुम टीचर बन जाओ, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। शुरू कर दिया। अब रात को नींद आने से पहले भाई और भाभी बारी बारी से सिद्धू की तारीफ करते रहोगे। तुझे इतनी जलन क्यों? पेट चलता है। So sweet. सुनील, तुम्हारी मनपसंद मिठाई बाद में खाता हूँ भाभी। मेरे लिए ठीक है, दो हाथ नहीं मुंह खोलो। तुम क्या बच्ची हो? टेक इट इन योर हैंड। आई हैव अ स्मॉल डाउट मम्मी। क्या बेटी, तुम मेरी मम्मी हो या सिद्धू की? दोनों की। तुम्हारी मनपसंद नॉवल? प्रेम का अंत नहीं, काफी अच्छा नॉवल है, बहुत दिनों से पढ़ने की सोच रहा था। थैंक्स भैया। पॉकेट मनी 50 रुपए में क्या होता है? चलेगा भाभी, ये रखो 500 रुपए। बेहतर होता मैं आपका भाई होती तो मम्मी मुझे भी इतना प्यार देती।
बाय। ओके भैया बाय, सी यू। अच्छा सुनीत, टेबल पे नाश्ता रखा है, खा लेना। ओके ठीक है भाभी, बाय 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 मम्मी। अच्छा तुम होमवर्क करो, मैं शेव करके आता हूँ। सुनीत भाभी, तुम पे दाढ़ी अच्छी लगती है, वैसे ही रहने दो। ठीक है भाभी। ए आयशु चलो, टाइम हो गया। चलो खा लो खा लो। ए आयशु कम फास्ट, जल्दी आ जा। थैंक यू। हाँ राइट राइट, चलो चले क्या? अच्छा जोर से पकड़ ले। आ, पकड़ लिया। ए, 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 स्कूल का गेट बंद कर देंगे, जल्दी से आओ। ठीक है स्वीटी। ओके ओके डोंट वरी। फास्ट फास्ट ही तुम फास्ट। ए फास्ट फास्ट सिद्धू, चलो चलो सिद्धू, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी चलो सिद्धू। ओके बाय। ओके। साइकिल पे बैठ के घमंड ऐसा जैसे बाइक पे बैठा हो। दुपट्टा हवा में लहरा के खुद को परी समझती है। घमंडी, सॉरी तक नहीं कह सकता। क्यों? आके खुद नहीं ले सकते? ठीक है ओके। ये मेरी दादी से कहाँ काम है? 10 साल से तू निशाना लगा रहा है, लेकिन तेरा निशाना हर बार चूका है। इस बार भी चूक गया है, तुझे हर कोई थूक देता है। हाय भाई, आजा आजा आजा। अरे हाय फ्रेंड्स, क्या स्मार्टी। आज गले लग गया। हे हाय, कैसे हो? ऑस्ट्रेलिया से कब आया? अरे की पॉइंटिंग कैसा है? वो तो ठीक है। अच्छा तुम्हारी दादी कैसी है? उसको क्या, मोटी गोल मटोल टून टून की। वो सब ठीक है। बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हो? शिकार के लिए। कौन से जंगल में? अरे ये जंगल में मंगल का शिकार है, कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा काम क्या कर रहे हो? काम मिले तो घर वालों को खुशी, ना मिले तो कम से कम हम तो खुश रहे। बढ़िया पंची डाला है ना। बैड पॉलिसी। हमारे साथ मंगल मनाने चलो तो तुम्हें बेस्ट पॉलिसी लगेगी। सॉरी गाइस आई हैव टू लीव। देख तू ऑस्ट्रेलिया से आया है, अंग्रेजी झाड़ रहा है, मुझे तो समझ में आती है, इन्हें भी समझना है ना। ये सब कुछ ज्यादा नहीं लगता? फूल ले लो फूल। कौन? चंपा चमेली के फूल ले लो। तेरे की प्यारे बालकों, पढ़ लिख के बहुत कर ली कमाई, कमर की लचक देख के दिए लार टपकाई, भविष्य में होगी सिर्फ तन्हाई। कमर की लचक और उसकी पुतक देखने के लिए पढ़ाई किस लिए? अरे बुढ़ाओ पढ़ाई किस लिए? काम रस की पढ़ाई हम संतों को है भाई, यही तो है असली पढ़ाई। रूप रंग चेहरा बेमिसाल है, क्या हिरनी जैसी चाल है, कॉलेज प्रोग्रेस मार्कशीट में टीनेजर बैठते हैं बैक सीट में, मेलबर्न घूम के भी आए जाए कोई ऐसी ब्यूटी कहीं देखने को मिलती, बोलो कहाँ। कोर्स की किताबों का भी पूरा कोर्स पढ़ लो चाहे ऐसा कोर्स, बोलो पढ़ने को मिलता कहाँ। रंग चेहरा बेमिसाल है, वाह क्या हिरनी जैसी चाल है, कॉलेज प्रोग्रेस मार्कशीट में।
कतरे ये कितनी हसी कमरिया तेरे लड़की ये पटाखे जैसी मेरे दिल में फूट गई है इसके चक्कर में यारों का से सारी छूट गई है ब्यूटी के विजन में दोनों मेरी आंखें फिसल गई है दुनिया को भुला के दिल की मेरी हलचल बदल गई है चलते चलते राहों में तूने मुझे देखा मर गया तुझ पे मेरी जान जाने बाहर तू ही मेरे किस्मत है तेरे बिना भी कैसे जीना तेरे बिना भी कैसे जिंदगी 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 हाय आंटी हाय ये ऐश्वर्या मेरी क्लोज फ्रेंड हेलो आंटी हेलो आइए लंच शेयर करते हैं नो थैंक्स तुम जाके खाओ वाह व्हाट अ टेस्ट रितिक तुम भी सारा टेस्ट करके देखो ना सिर्फ सादा पुलाव इतना अच्छा और टेस्टी है आंटी थोड़ा टेस्ट करो ना मैंने खा लिया आपको खाने को किसने कहा जस्ट टेस्ट प्लीज एक्सेलेंट किसने बनाया है हमारे सिद्धू ने सिद्धू कौन है तुम्हारे घर का बावर्ची क्या नहीं वो इसके चाचा है मैं प्यार से उन्हें सिद्धू बुलाती हूं अच्छा तुम्हारे सिद्धू को और क्या-क्या बनाना आता है उन्हें सब आता है आंटी पूरी सब्जी बिरयानी कोफ्ता चिकन मटन सभी बहुत बढ़िया बनाते हैं वो रियली बनाने में उन्हें तकलीफ नहीं होती क्या मैंने भी यही पूछा था तो उन्होंने कहा कि प्यार से करो तो काम भी प्यारा हो जाता है दुखी मन से करोगे तो वो भी तुम्हारी तरह दुखी होगा इतनी बढ़िया इंसान है तो फिर मिलना चाहिए जरूर मिलेंगे आ वो आ गए हाय आयशु हाय सिद्धू हाय अंकल हाय ये तो घमंडी है अरे ये तो वही नकचड़ी है ये लो आंटी यही है मेरी सिद्धू मिसेस सुनी हाय बहुत बन रही है ये मिस आरती माय स्वीट आंटी गर्लफ्रेंड आंटी ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं इन्होंने बीएससी विस्कॉम किया है पिछले साल ही पढ़ाई खत्म की अच्छी नौकरी की तलाश में है इन्होंने भी पिछले साल कोर्स खत्म किया है अब पढ़ाई करें शादी करें सोच रही है बहुत बोल रही हो चुप करो सॉरी उस दिन सॉरी भी नहीं कहा और गुरूर में साइकिल पे बैठ के जैसे बाइक पे आई एम रियली सॉरी अरे रे गलती मेरी है दुपट्टा ठीक से बांधे बिना स्टाइल में बाइक चलाऊंगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा इधर देखिए दुपट्टा बांध लिया है आपको ही मुझे माफ करना होगा नहीं मेरी भी आई एम सॉरी यार क्या सॉरी कंपटीशन चल रहा है जो सॉरी पे सॉरी बोल रहे हो पहले तुम दोनों हाथ मिलाओ तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करा है हाथ मिला के दोस्ती कर लो आंटी हाथ मिलाओ ना प्लीज आंटी हाथ मिलाओ ना हाथ मिलाओ ना हाथ मिलाओ सिद्धू ओके ओके अब अपना काम बखूबी कर लेंगे तुम चलो क्लास में चलते हैं मेरे साथ बात नहीं करोगी मेरे साथ नहीं बात करोगी तुम्हारा बदन जल रहा है तेल की मालिश कर लो अच्छा लगेगा क्या नहीं लगाना लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो ये लगा दो क्यों रो रही हो लग तो गया ना देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा भाभी ए भाभी 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 चुप भी करो अरे बैठो देखो बदन कितना गर्म है मुझे तेल लगा ले दो तू भी मम्मी की साइड दे रही है एक छोटी दुकान ठीक हो जाएगी अब खेलना बंद करो इसे पकड़ो पकड़ो इसे चलो अब हाथ आगे बढ़ाओ ना इसको इसको लगाओ और इसको
वो दादी बन रही थी हाँ भाभी बस भाभी प्लीज भाभी देख क्या रहे हैं आप भी आकर बैठिए मुझे दे दो मैं लगाता हूँ तुम जाके शीका ले अच्छे से लगाना हाँ तुम्हें कितनी प्यारी भाभी मिली है लव मैरिज किया था डर था कि पता नहीं वो तुम्हें माँ का प्यार देगी या नहीं लेकिन उसने माँ की कमी पूरी कर दी बहुत खुशी होती है कान दिखाओ गुड बॉय गुड बॉय घूमो ना सिद्धू भाई से इतना लगाव अच्छा नहीं एक बार भी नहीं जीते अब मैं एक बार और जीत गया ना तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे देखते हैं आरती बेटी क्या है माँ जल्दी से यहाँ आ क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो खा खा के शरीर की चर्बी बढ़ा रही है किताबों और टीवी से अपना टाइम पास कर रही है लेकिन खाना बनाना नहीं सीखेगी बिना कुछ सीखे पति के घर जब तू ब्याह के जाएगी तो दाल रोटी बनाना भी नहीं सिखा ये कह के वो मुझ पे थूकेंगे देखो लड़की को कैसे पाला पोसा है उसे क्यों आंखें दिखा रही है रसोई घर में खाना बनाने के लिए मेरा हाथ बटाने की बजाय हमेशा पड़ती रहती है आखिर इससे फायदा क्या होगा अरे जाओ अभी माँ तुम्हें और कोई काम ही नहीं सुन उठती है या नहीं माँ जी उसे खुश रहने दीजिए ना खाना बनाना नहीं जानती तो क्या हुआ किसी अच्छा खाना बनाने वाले से शादी कर देंगे हाँ दादी मेरे फ्रेंड के सिद्धू को अच्छा खाना बनाना आता है आंटी ने भी टेस्ट करके ओके किया है कहो तो मैं बात करके देखो यू नॉटी बॉय बचाओ बचाओ मुझे मारने आ रही है बचाओ अरे आहिस्ता आहिस्ता रुको पापा देखो मुझे राक्षसी मारने आ रही है राक्षसी खूबसूरत राक्षसी बोला खूबसूरत बोल दिया ना छोड़ दो तुझे बाद में देखूंगी ठीक है देख लेना भाई पौधा सुंदर है ये कौन सा पौधा डैडी ये पौधा नहीं पेड़ है बोनसाई का नाम है इसे यहाँ पे रखें? हाँ रख सकते हैं यहाँ रखेंगे तो जब ये बड़ा होगा तो छत तोड़ के बाहर निकल जाएगा ये पेड़ बड़ा ना होने पाए इसलिए जड़ से तने तक जो भी पत्ते उगते हैं उन्हें काट कर बराबर रखना है ओहो बेचारा पेड़ दादी पेड़ को बेचारा समझेंगे तो इंसान के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी तो फिर इसमें पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए डैडी पानी डालना है ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा कभी कभार डालना पड़ता है तब तो ठीक है मैं पानी लेकर आता हूँ इतने धीरे चलाने से बात नहीं बनेगी क्यों ना हम साइकिल रेस रखें अंकल ओके रख लेते हैं अरे रे रेस नहीं करना क्यों हार जाने का डर है वो कैसे आंटी ही जीतेगी चैलेंज सिद्धू रुको तब मैं आंटी के साथ बैठी हूँ तुम अंकल के साथ okay. बैठो आ जाओ आंटी हमें ही जीतना है अंकल हमें ही जीतना होगा उसमें क्या शक हम ही जीतेंगे रेस कॉफी शॉप तक रहेगी अगर अंकल जीते तो आंटी आप सबको आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाएंगी और अगर हम लोग हार गए तो अंकल सबको खिलाएंगे ओके ओके रैली स्टार्ट ओके हमें जीतना है अंकल अगर लेडी से हार गए तो शेम शेम पपी शेम होगा ओके पर्स ही नहीं लेके आया तब तो जीतना ही होगा ओके जल्दी चलो Congrats. Thank you. Shame, shame. अब जान पूछ के हारे अंकल वो सब सही बहाना नहीं आंटी मेहनत करके जीती है आप भी क्या अंकल
लास्ट मिनट में रिवर्स पैडल मारकर हमको हरा दिया। वो क्यों हारेंगे? पिछले हफ्ते तुम भी ऋतिक के लिए साइकिल रेस हारी थी ना? वो मेरा दोस्त है। उसी तरह ये मेरे फ्रेंड हैं, इन्होंने मुझे जिता दिया। ओ, तो ये बात है। ठीक है, कौन किसका फ्रेंड है, मुझे क्या? मुझे तो सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए, खरीद के देके जाओ। हाँ, चलो चलो। कॉफी पीते हैं। वो ऐसा है, मैं पर्स लाना भूल गया। मैं लाई हूँ, आओ ना प्लीज। ये नहीं चलेगा, जो हरा है वही खरीद कर देगा। हे, तुझे क्या, मेरी दोस्त मुझे खरीद के दे रही है। जिसने खरीदी है उनसे कहो भाभी ने। तुम्हारी भाभी को तुम्हारा साइकिल से जाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए अपने सेविंग से खुद सेलेक्ट करके खरीदी है। थैंक्स सो मच भाभी। इट्स ओके। वन मोर थैंक्स। मैं एक छोटा राउंड लगा के आता हूँ। ए आजा, एक राउंड लगा के आता हूँ। कम ऑन भैया, आप ही आ जाओ। ओके, मैं पहले, आप नेक्स्ट राउंड। ठीक है। ओके, सिद्धू की और मेरी न्यू बाइक। ओके, बाय बाय। यस। क्या मजमा लगा रखा है? ये सीक्रेट है, तुम सीक्रेट स्पॉन्सर करो। हैं? एक सीक्रेट अपने लिए, दूसरा अपने बाप के लिए कहते हैं, ये तीसरा किसके लिए लिया है? ये मेरे दादा के लिए, चल अपना काम कर। वो सब ठीक है, तू ये हाथ में घास लिए क्या फील कर रहा है? वो कुछ नहीं गुरु, पांच लड़कियों से मोहब्बत की, सब छोड़ के चली गई, फूल पी के फील करने की औकात नहीं है, इसलिए घास चबा के फील कर रहा है। क्या कह रहा है? हाँ गुरु, चार महीने से फिरंगी माल के पीछे घूम रहा था, वो किसी और के साथ भाग गए। किस वजह से? इसका नाटक मत पूछ यार। सर एक एक प्यार कम से कम 6 महीने करते हैं, पूछो तो कहेंगे मेरा प्यार वाइन की तरह है, जितना पुराना होगा कीमत उतनी अधिक होगी। इनका एक एक प्यार अधिक पुराना होने से एक्सपायरी डेट हो गया। फिक्र मत कर यार, एक लड़की से प्यार किया पास हुए तो अच्छी बात, फेल हो गए तो और भी अच्छी बात है। रास्ते में बहुत सारे पौधे हैं दोस्त, एक एक पौधे पे अनेकों फूल हैं। सपोज हम एक फूल से प्यार करते हैं और वो फूल किसी और से प्यार करता है, तो हमें किसी और फूल से प्यार कर देना शुरू कर देना चाहिए। बासण और सलाह देना दूसरों को अच्छा लगता है, तजुर्बा करके देखो तो उसके दर्द का एहसास होगा। प्यार दूर से देखो तो कॉमेडी लगेगा, वही प्यार करीब जाके देखो तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, खुद समझ जाओगे। की तरह यारो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, इतना नाराज होके जा रहे हैं? अरे समझा करो गुरु, वो छठी मोहब्बत के लिए बुनियाद डाल रहा है, देखो। इसकी तरह मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए, कल ही आरती को मिलता हूँ। अरे रे, वो भी मेरा इंतजार कर रहा है, जाहिर नहीं करूंगी उसी के लिए आई हूँ। जान गई कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो काफी चीप समझेगी। ये आरती की कारी है ना? चेक कर लेते हैं। ये तो आरती है। हाय बोलूं क्या? नहीं नहीं, उसे ही बोलने दो। हाय हाय।
तुम कब आई? तुम किसी को खोज रहे थे ना, तभी आई। ओ, वो ऐसा है, मेरे एक फ्रेंड ने आने को कहा था, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। छुप छुप के नोट कर रही हो? ओ, ये बात है, मेरे लिए आए और झूठ बोल रही हो, झूठे। अच्छा, क्लास शुरू होके आधा घंटे से ऊपर हो गया, लगता है तुम भी किसी को ढूंढ रही हो। मैं एक फ्रेंड वो मालती के लिए वेट कर रही हूँ। तेरे होंठ झूठ बोल रहे हैं, वो तेरी आंखें बता रही है। निगाहों से ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे निगल जाओगे। जो लाया हूँ उसे दे दूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आज नहीं। दे दूँ क्या? देखते ही मुझ पे मर मिटी समझेगा। नहीं बाबा। Okay, see you then. ठीक है, bye. Excuse me. One minute, please. एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। No, no, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं लूंगा। अगर तुम मेरा गिफ्ट लोगी तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूंगा। ए, तुम भी मनोज कुमार के फैन हो? जो दिल को जीत लेता है दिले नशी। जो दोस्त से भी बढ़कर हो एक दोस्त। क्या भाभी, बहुत सीरियसली कुछ काम कर रही हो? अरे बेहतर होता कि मैं आपका बेटा पैदा होता। मेरी माँ में इतने टैलेंट है, सबको गर्व से कहता। इस तरह बात मत करो, प्रेम का अंत नहीं, टाइटल ही बहुत अलग है। जो दोस्त से भी बढ़कर है एक दोस्त। जान से भी बढ़कर कौन है वो जान? मेरी फ्रेंड है भाभी। कहाँ? कैसे? मेरी कॉलेज मेट। कॉलेज फ्रेंडशिप इस तरह डूब रही है? गुड। क्यों, प्यार है? क्यों भाभी, नहीं करना चाहिए। क्या 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 कहा? नहीं, प्यार करना गलत है भाभी। बिल्कुल, हमारी तरह के मिडिल क्लास लोग प्यार करें तो गलत है। तुम प्यार कर रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। ऐसे ही मत पूछना। प्यार करने पर जन्नत की खुशबू है, वही शादी के बाद नरक की बदबू की तरह है। नहीं समझे? तुम्हारी उम्र में मैं भी समझ नहीं पाई, लेकिन अब समझ आता है। जिंदगी खराब हो गई। तब तुम मुंबई में पढ़ रहे थे, तुम्हारे भाई और मैंने बहुत गहरा प्यार किया। सारे क्वालिफिकेशंस बराबर होने पर भी मेरे पिता ने इनकार कर दिया। प्यार और जवानी का जोश, साथ जीने और मरने की कसमें, हम दोनों रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए। अब आप माला पहनाइए। अंजलि, तुम्हारे पिता अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं, भाग जाओ। हा? Hey!
प्यार में फायदा देखे तो मनपसंद आदमी के साथ सिर्फ शारीरिक सुख है, उसके लिए हम खोते हैं मान मर्यादा शांति पैसा और बहुत कुछ। मैं प्यार करती हूँ जानते ही, मेरे पिता ने मुझे बेटी की तरह नहीं एक वैश्या की तरह देखा, जबकि उनके 3 पत्नियां थी और रखेलों की गिनती नहीं। सुनीत, प्यार के लिए हमारी सोसाइटी का साफ नजरिया ही नहीं है। प्यार कहते ही एक लड़का और लड़की के हमबिस्तर की तस्वीर उन्हें साफ नजर आती है। लव मैरिज करने से लड़का लड़की दोनों को हर तरह से नुकसान है, लड़कों को नुकसान पैसों में। यही तुम अच्छी नौकरी में रहकर अरेंज मैरिज करते हो तो तुम्हें दहेज में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, लव मैरिज में फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हमारे लव मैरिज करने से सभी रिश्ते टूट गए, इस तरह दुख उठाकर ये नॉनसेंस लव क्यों करना? उसके लिए प्यार ही गलत है, कहना सही है क्या भाभी? प्यार अगर गलत हो गया तो तुम्हारी मर्दानगी अकल सब चला जाएगा, उसके बाद तुम भी मेरी तरह मजबूरी में जियोगे। साफ नजरिए के लोग प्यार नहीं करते, अकलमंद प्यार नहीं करेंगे। मैं तुम्हें साफ नजरिए का समझती हूँ, मेरे सपने तुम्हारे जरिए पूरे हो वो किला बना रखा है, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय इट। इस उम्र में लड़की को देखो, उसके बदन को देखो, एक अट्रैक्शन आएगा, इट्स नेचुरल। कंट्रोल करके देखो, अगर नहीं होता तो उसके लिए बहुत से टेम्पररी आउटलेट्स हैं। तुम पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो, तुम्हें समझ आएगा, समझना होगा। ब्राइड वांटेड फॉर ए ब्राइट ग्रूम, स्टेहारी बड़ा अजीब दिया गया है। उम्र 26, एजुकेशन MCA, न्यू जर्सी में जॉब, सिटीजनशिप वाली हमारी जाति के लड़के को एक सुंदर पढ़ी लिखी अकलमंद दुल्हन चाहिए। अपनी आरती के लिए काबिल लगता है। हाँ पिताजी, आरती की कुंडली आज ही उन्हें ईमेल कर देता हूँ, बात अगर बन गई तो इसी साल हम इसे विदा कर देंगे। अरे इतने भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन खुश रहने दीजिए ना। भाई रिश्ता अच्छा है, होने दो। लड़की की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए, गवर्नमेंट कहती है, इसकी तो 20 ही है, कुछ दिन घर में खुशी से रहने दो ना। अमेरिका अफ्रीका का लड़का नहीं चाहिए डैडी। क्यों सर? आंटी के बिना मैं नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के लड़के जो फॉरेन में काम करते हैं वो तो वहाँ पर गुलामी का काम करते हैं। हाँ भैया, BA खत्म करके जॉब मिलने के बाद शादी कर दीजिएगा प्लीज। ये पेड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कल मेरे घर में मेरी शादी की बात चली, मैं बहुत डर गई। ये तो खुशी की बात है, इसमें डरना क्या? दुल्हा अमेरिका में है। अमेरिकन दामाद? तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आके तुमसे शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। बस भी करो, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे और वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो हम पहल करते हैं, खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे, मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। भागने को कौन बोल रहा है, और बड़ों की बेइज्जती भी नहीं होगी, सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे। अब के लिए हम गांधर विवाह कर लेते हैं, बाद में सबके लिए सामाजिक विवाह। ओके, वो कैसे? मेरी तरह अपनी आंखें बंद करके महसूस करो, आंखें बंद कर लो। अभी हम शादी के मंडप पे बैठे हैं। हाँ, माँ पिताजी भैया भाभी सभी लोग साथ में हैं। पास में बैठे पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। थैंक्स सुनील। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। शादी तो हो गई, और कुछ नहीं मिलेगा? नहीं बाबा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी, मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी गोद में सर रख कर लेटना चाहता हूँ। Na 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 na
ओ गॉड मेरा भैया। सुनीत यहाँ क्या कर रहे हो? भैया कौन है ये लड़की? भैया वो मेरी प्रेमिका, मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैया कुछ मत बोलो, हमें ये लड़की नहीं चाहिए, कह दिया ना? तुम चलो भैया, चलो भी भैया। एक्सक्यूज मी, डर गई? मजाक किया? सुनीत का सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। Glad to meet you. हमारा सुनीत तुम्हारा ही है, किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी हर प्रॉब्लम मुझ पे डाल के तुम दोनों प्यार करो। तुम दोनों का बंधन मेरी जिम्मेदारी। Thanks. You're welcome. चलता हूँ सुनीत। अच्छा भैया। हाँ, बातें खत्म हो जाए तो घर छोड़ के आना। ठीक है भैया। संभल के। और बाइक चलाते समय जरा सडनली ब्रेक मारना। सर आपकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी देखते हुए आपको डबल प्रमोशन मिलना चाहिए। उस फालतू गोविंदराज को प्रमोशन, आपको डिमोशन। पेट जल रहा है सर? उसे ऐसे नहीं छोड़िएगा, कोर्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा। कोर्ट केस में जाना, टाइम और पैसे दोनों वेस्ट। उसे तो यूनियन के जरिए डेफिनेशन मांगना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मेरा भाई सुनीत। ओ हेलो। ओके सर, हम चलते हैं। हेलो, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, छोड़ के आता हूँ। भाभी भैया क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? ऑफिस में मुझे प्रमोट करके तुम्हारे भैया को डीप्रमोट कर दिया। क्या बात कर रही हो भाभी, भैया तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डीप्रमोट किया गया, ऐसी उन्होंने क्या गलती की? सिर्फ बाहर से दिखने में हार्ड वर्कर है, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस काफी नहीं। सुनीत एक गुड न्यूज, तुम्हें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऐसा क्या? आपके ऑफिस में? इट्स ओके। सॉरी भैया। ओह, मेरा ही टाइम ठीक नहीं है, तुम किस्मत वाले हो, बस ये नौकरी तुम्हें मिल जाए, आरती से शादी करा के साथ में मुंबई भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, जल्दी करो, 10:30 कुर्ला एक्सप्रेस सेंट्रल जाके हमें पकड़ना होगा। हेलो, स्टेशन मास्टर कृष्णा सर। गुड इवनिंग सर, मैं कटरा से शक्ति माथुर बोल रहा हूँ। सर एक मदद चाहिए, मुंबई के लिए एक टिकट चाहिए। सिद्धू मुंबई जा रहे हो क्या? हाँ दादी माँ। थैंक यू सर। भैया मैं तैयार हूँ। हे, कहाँ जा रहे हो? सिद्धू मुंबई जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ओ, किस पोस्ट पर? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए बुलाया है। 10,000 रुपए जरा सुनीत को दे देना। भाभी ये क्या फाड़ा क्यों? इतने में सुनीत कमाए इसकी क्या जल्दी है, हम दोनों कमा रहे हैं ना, वो आराम से काम पे जाए काफी है। तू पागल हो गई है? 4 वर्ष, पूरे 4 वर्ष भाषा न जाने वाले देश में रहकर जो कुछ भी मिला खा पी कर अभी आया है, कुछ दिन हमारे साथ रहने भी दीजिए ना, इतनी जल्दी उसे भगाने की क्या जरूरत है? नहीं भाभी वो अच्छी नौकरी है। तुम कुछ मत बोलो देवर जी, कुछ दिन अच्छे से खा पी कर आराम करके हमारे साथ रहो, वही काफी है। हाँ डैडी, सिद्धू मुंबई चले गए तो कौन मुझे होमवर्क कराएगा, सिद्धू को हमारे साथ ही रहने दो ना। हे, क्या हुआ? मैं भी लगभग उस घोड़े की तरह ही हूँ। मतलब? उस घोड़े की मंजिल है उस गाजर को पकड़ना, मेरी मंजिल और सोच भी तुम्हें पकड़ने की है। झूठ झूठ, सच बोल रहा हूँ। कल भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक इंटरव्यू लेटर आया, मैंने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया रिसर्च करने का मैंने सोचा है। कैसा रिसर्च? हमारे बदन पे कहाँ कहाँ सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जानने के लिए। कैसे? अब तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हारे एक एक अंग को छूऊंगा, जहाँ जहाँ मेरे छूने से तुम्हारे बदन में कुछ कुछ होता है वो ये है सेंसिटिव स्पॉट्स। नहीं बाबा, आंखें बंद करने पर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। नहीं नहीं, आंख बंद करवा के बदमाशी करो, इतना गिरा हुआ नहीं। आंसर नहीं बदलोगे ना? नो नो, आई एम अ वेरी डिसेंट बॉय। तब ठीक है। कुछ अब कुछ नहीं अभी। Thank you.
ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। इतना भावुक भी नहीं होना चाहिए, ये तो कायरता है। देर हो रही है सुनीत, भैया को ले चले। नहीं, नहीं मैं ले जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भाभी प्लीज मत रोइए। कैसे करूं? वो मेरे भाई नहीं थे, मेरे पिता समान, मेरे दोस्त सभी तो थे वो मेरे लिए। समझ सकती हूँ, पहले मुलाकात में कितना आसाया, कितना प्यार, हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ये मेरी भाभी, भाभी ये आरती है। जानती हूँ, तुम दोनों की शादी उन्हें अपने हाथों से कराने की बहुत इच्छा थी, नहीं कर सके। उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसे पूरा करूंगी। अभी उसकी क्या चलती है? वो मेरा फर्ज है सुनीत, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आरती, अभी ही हमारे घर में मातम मना है, हमें उसे बाहर आना होगा। सुनीत को अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब होने के बाद मैं ही तुम्हारे घर आके शादी की बात करूंगी। तब तक के लिए इस तरह एक दूसरे से मिलना जुलना अवॉइड करना बेहतर होगा। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, हमें खुश रहते हुए देख दूसरों को जलन होगी, उस वजह से तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हम अवॉइड करेंगे। सुनीत को तुम्हें देखना है तो घर पर आओ, आरती से तुम्हें बात करनी है तो फोन पे करो। शादी से पहले इस तरह खुलेआम घूमना ठीक नहीं, बात करके आओ। मैं चलती हूँ। जी दीदी। हेलो, इसे 223-421? या आरती? जी हाँ, आप? वो जरूरी नहीं, जो बताने वाली हूँ वो जरूरी है। क्या? तुम सुनीत से प्यार करती हो ना? वो पूछने वाली तुम कौन हो? मैं सुधा की बहन। सुधा? ओ, तुम सुधा को नहीं जानती हो ना? सुधा सुनीत के दोस्त की बहन है, वो उसी से प्यार करता है, उसी से शादी करने का वादा भी किया है। हेलो, मेरा सुनीत वैसा नहीं है। सुधा भी यही कह रही थी, लेकिन जब उसने तुम्हें और सुनीत को लवर्स पार्क में प्यार करते देखा तो उसका असली रूप जाना। उस पूरी रात वो सुनीत से झगड़ती रही तो उसने हंसकर कहा कि आरती से तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, शादी तो तुम ही से करूँगा, और उसे जोर से किस किया। झूठ। सच।
अगर तुम सच कह रही हो तो अपना नाम क्यों नहीं बताती? मैं शीतल, सुधा की बहन। हेलो, कहाँ से बोल रही हो? हेलो, पूछ रही हो ना? हेलो, बाय अशु। हाय। सामने से हटो। भाभी ने साथ साथ घूमने को ही मना किया, मिलने पर बात करने से तो नहीं? आज से मुझसे मिलने मत आना, रास्ता छोड़ो। बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं, जब तुम गुस्सा करती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गुस्से में भी अच्छी सुधा लगती होगी, उसके पास जाओ, हटो। सुधा? कौन सुधा? कैसी सुधा? इतने भोले भाले भी न बनो। जब अपनी दोस्त की बहन से शादी करने वाले हो तो तुम मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? हाँ, मेरी दोस्त की बहन? मेरे किसी दोस्त की सुधा नाम की बहन? ये सुधा कहाँ से टपक पड़ी? देखो सुनीत, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। आरती के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, पर शादी तुम्हें से करूंगा ये वादा तुमने सुधा से किया है। उसकी दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं किसी सुधा या शीतल को नहीं जानता। देखा देखा, तुम सुधा को नहीं जानते पर उसकी दीदी शीतल को अच्छी तरह से जानते हो ना? ओफो, ये दोनों नाम मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गए। मैं ऐसी किसी नाम वाली को नहीं जानता आरती। तुम धोखा दे रहे हो, हंस हंस के बात कर तुमने मेरा मन जीत लिया। प्यार जगा के मन ही मन में मुझे शादी करके मिसयूज किया है, अब बहुत हो चुका। किसी ने कुछ बोल दिया और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो? बाकी तुम मुझसे प्यार करती हो? बिना वजह फोन करेगी क्या? चाचा, पहले प्यार में विश्वास जरूरी। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोले मैं यकीन नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर तुम सुधा को नहीं जानते? मैं कह तो रहा हूँ मैं किसी को नहीं जानता। कोई हमसे जरूर जलता है, उसी ने फोन किया है। सच में? देख मेरी तरफ देख, मैं तुम्हें दिखने में क्या धोखेबाज लगता हूँ? तुम्हारे सिवाय मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई समझ? अपने सुनीत पे मुझे यकीन है, लेकिन किसी वजह से तुमने मुझे अवॉइड किया तो मैं मर जाऊंगी। हे पगली, तू ही तो मेरी जिंदगी है, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? ए, सड़क पे नहीं बाबा, घर पे जाके करो। जादू तेरी नजर। भाभी अंधेरे में क्यों बैठी हैं? खाना खाया आपने? तुम्हारे खाए बिना कैसे? ऐसे भी तुम्हारा इंतजार करते खाए बिना ही सो गई। मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में ही खा लिया भाभी। ऐसा क्यों करते हो? घर पर अच्छा खाना इंतजार होने पर ऐसा क्यों? सॉरी भाभी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे पूछो, मैं दूंगी। उसे छोड़ बाहर गंदी जगहों पर क्यों मुंह मारना? ठीक है भाभी, आप जाके पहले खाइए, मैं ऐशो को खिला देता हूँ। अभी आया। भाभी, भाभी क्या है सुनीत? भाभी मेरा बेड कहाँ है? मैंने उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। क्यों? तुम मेरे बेड पे सो जाओ। आप कहाँ सोएंगी? हम भी वहीं पर। क्या बात कर रही है भाभी? तुम्हारे भाई के रहने तक मुझे चैन की नींद आती थी, आजकल नींद ही नहीं आती। अनजाने में नींद आ भी गई तो अचानक डर के उठ जाती हूँ। तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। ठीक है भाभी। आयशु, आयशु, ए आयशु, उठ उठ दादी माँ, उठ उठ, चल खाना खा ले। ए, कब आए? चल खाना खा ले। ओपन ओपन वेरी गुड। हेलो दीदी, मैं आरती बोल रही हूँ, सुनीत को फोन दीजिए। रॉन्ग नंबर। जॉनी जॉनी पापा लिटिल शुगर नो पापा टेलिंग लाइज नो पापा। हेलो हेलो, ये 251-1517 है ना? रॉन्ग नंबर कहा ना, अकल नहीं है? अगली बार फोन किया तो बहुत बुरा होगा। कौन है भाभी? है कोई रास्कल, बार बार फोन करके
गंदी गंदी बातें करता है। कहाँ से बात कर रहा है, कुछ बताया? नहीं जानते। अच्छा, अगली बार फोन आया तो मुझे देना। हाँ अर्शु। मम्मी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे साइन करना आज लास्ट डे है। अपने पापा से करवा लो। पापा से? अपने चाचा से करवा लो बेटी। तो ठीक है, सिद्धू साइन कर देना। 96.3, वेरी गुड, पर अगली बार 100% लाना, ठीक है? ट्राई। गुड गर्ल। ये लो। थैंक यू। ये मैं अंदर रख रहा हूँ, बुक्स दो, मैं रखता हूँ। ओके ओके ओके, स्कूल का टाइम हो गया, चलो 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 बैग उठा लो। सुनी, हाँ? अब से अशोक को मैं ही स्कूल में ड्रॉप कर दूंगी। भाभी आप क्यों परेशान होती हो? परेशानी क्या है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैवल, इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करो सुनीत, तुम बाइक से जाओगे तो पेट्रोल भी वेस्ट होगा। मम्मी मैं सिद्धू के साथ। मुंह बंद कर बेवकूफ। भाभी इसने क्या कहा कि इसे आप जो कहा समझते क्यों नहीं? पहले रेलवे को अप्लाई करने वाला काम देखो, उसे छोड़ फालतू लोगों के साथ घूमना बंद करो। चल रही, बाय सिद्धू। बाय, शाम को मिलते हैं। हाँ बाय 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 मम्मी। बाय। इस बार भी मैं ही जीतने वाला हूं। क्या है?
बात है तो ठीक है। तुम्हारी जाति क्या है? क्या अंकल, कुछ समझा नहीं। कैस्ट कैस्ट। क्या अंकल, इस कंप्यूटर के जमाने में जाति सब जरूरी है? प्यार करने के लिए तो जरूरी नहीं, लेकिन शादी विवाह के लिए तो जरूरी है। क्या कैस्ट है? जाति अंकल, अंकल वो अंकल मैं भी आपकी जात का ही हूँ। ठीक है, तब मुझे रिश्ता मंजूर है। थैंक यू अंकल। अपने घर वालों को लेके आना, रीति रिवाज से आरती को भेजेंगे। देख, मैं चलता हूँ। जीते उठ गए, बैठो एक और बाजी खेलेंगे। सॉरी अंकल, मुझे जल्दी से एक नौकरी ढूंढनी है और अपने घर वालों को जल्दी से यहाँ लाना है। सो ऐसे काफी काम है, मैं चलता हूँ। बाय। ठीक है बेटा। बाय। भाभी, आप ऑफिस नहीं गई? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं फ्रेंड्स के साथ। झूठ मत बोलो सुनील, तुम किसके साथ हो और क्या करके आ रहे हो मैं सब जानती हूँ। तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम पे जिम्मेदारियाँ आ गई है। अब इस परिवार के तुम मुखिया हो, तुम जो कहोगे मुझे सुनना होगा। सिर्फ इस घर को ही नहीं, अब से मुझे भी तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना होगा। समझ गए भाभी, आपके होते हुए तुम्हारे भाई की नौकरी तुम्हें दिलवाने के लिए मैं लड़ रही हूँ, लेकिन तुम हो इस परिवार की फिक्र करने के बजाय। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे भाई जिस पोजीशन में थे वहाँ काम बहुत बाकी है। अब ये प्यार व्यार के चक्कर में घूमना बंद करो। भाभी मैं सुनीत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वेरी गुड, इसको जरा दबा के रखो, पकड़ के रखना, छोड़ना मत, थोड़ा आगे खिसक जाओ। क्यों, सिखाने के बहाने गड़बड़ करने का? मैडम, बिना किसी वजह से भी मुझे कुछ करने का हक है। फिलहाल ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं क्यों बाइक चलाऊं? इतने दिन मैंने बाइक चलाया और तुम पीछे बैठ के मुझसे चिपकी, अब तुम आगे बैठोगी और मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगा। मुझे डर लगता है। ए, लड़कियां तो रॉकेट ही चलाने लगी और तुम इस बाइक को चलाने से डर रही हो। तुम्हारे साथ शादी करके मेरा क्या होगा पता नहीं। पहले तुम्हारे इस डर को भगाना है। पहला राउंड मैं चलाता हूँ और तुम देखो। ओके ठीक है। अब पैर जरा आगे रखो, अब क्लच पकड़ के फर्स्ट गियर डालो, क्लच को कस के पकड़ के अब एक्सीलेटर और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो, बिल्कुल धीरे, बस हो गया, अपने आप स्मूथली चलती जाएगी। कहाँ जा रहे हो? ये क्या है सुनीत, मेरे इतना कहने पर भी तुम ऐसा करोगे तो कैसे? सॉरी भाभी। ठीक है ठीक है, तुम ऐशु को स्कूल से पिकअप करके घर आ जाओ। भाभी फिर आरती को मैं ड्रॉप कर दूंगी, तुम जाओ। आता हूँ भाभी। तुम एक लड़की हो इसलिए मेरी फीलिंग्स को आसानी से समझोगी, समझती हूँ। सुनीत के परिवार के लिए, उसके भैया के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, समाज परिवार दौलत हर खुशी सब कुछ छोड़ के तो
उनके पास आई थी, लेकिन वो मुझे और मेरे बच्चे को बेसहारा छोड़कर चले गए। मैं भी उसी दिन उनके साथ चली गई होती, लेकिन सुनीत के दिए प्यार से मैं आज भी जी रही हूँ। उस प्यार को मैं खोना नहीं चाहती। तुम्हारी जवानी और स्टेटस के लिए सुनीत से भी बहुत अच्छे लड़के तुम्हें मिल जाएंगे, पर मुझे उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बेहतर होगा सुनीत को मेरे लिए छोड़ दो तुम, प्लीज। What do you mean? और मिलने भी नहीं दूंगी। बेकार में मेरे आड़े आके खुद की बर्बादी मत करो। उसे पाने के लिए मैं हर हद पार कर सकती हूँ, खून भी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। क्यों उस दिन के बाद दिखाई नहीं पड़े? भैया के ऑफिस में ही मुझे नौकरी मिल गई है। लीजिए, स्वीट्स लीजिए। ओह, मुबारक हो। थैंक्स अंकल। अंकल स्कूल गया था, आरती कहाँ है? यही है। आरती, क्या है पापा? तुम्हारा प्यारा मेहमान खुशखबरी लेके आया है। कौन पापा? सुनीत बेटी। अच्छा, नौकरी क्या है, तनख्वाह कितनी है? असिस्टेंट इंजीनियर, 15,000 तनख्वाह। वेरी गुड, थैंक यू अंकल। बैठो, मैं भेजता हूँ। आप कैसे हैं आंटी? ठीक हूँ। आरती? वो नहीं है, सुबह ही बाहर चली गई। आरती की तो आवाज थी। नहीं नहीं, वो मेरी ही आवाज थी। ओ, वो शाम को ही लौटेगी। तुम्हें कुछ कहना था? दिल करे तो फोन करने को बोलना, मैं चलता हूँ आंटी। भाभी, आयशु कहाँ है? सब कोई दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? भाभी, भाभी, भाभी आपको इस तरह देखे कितने दिन हो गए। आयशु जब आपको देखेगी वो भी बहुत खुश होगी। ये मेरे लिए। ये तुम्हारे लिए। बाय संयुक्ता। हाय सिद्धू। हे आयशु। मैं भी आती हूँ सिद्धू। हे हे हे। आरती? हाँ। तुम जिससे प्यार करती हो उसकी लीला अलंकार थिएटर में आके देखो। आप कौन बोल रही है? तेरी सौतन। सॉरी डा। हाँ भाभी। मुझे देना सितो। बाहर घुमाए। फ्लावर शो चले? सिनेमा चले? सिनेमा? टिकट्स मिलेंगे क्या? मैंने ऑलरेडी 3 टिकट बुक कर रखे हैं। चलो ना। ठीक है, आप तैयार हो जाओ। hey, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। Thank you.
आशु, आशु मेरी सीट पे आके बैठो ना प्लीज। क्या मम्मी डिस्टर्ब कर रही हो? क्या हुआ? बगल की सीट वाला मुझे परेशान कर रहा था। उसकी तो बैठो, पब्लिक में प्रॉब्लम करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। फिल्म देखो। आप चाहे तो मेरी सीट पे बैठ जाइए। वहां भी आदमी ही बैठा है, जानते नहीं सभी मर्द एक जैसे होते हैं। क्या हुआ बाबे, भैया की याद आ गई? ऐसे ही कुछ देर रहने दो ना प्लीज प्लीज। सुनीत बोल रहा हूँ अंकल, आरती को जरा फोन दीजिए प्लीज। बेटी आरती। क्या है पापा? तुम्हारा फोन। कौन है पापा? तुम्हारी फ्रेंड मालती लगती है। चलता हूँ पिताजी। बाय। हाय मालती। मैं सुनीत बोल रहा हूँ। हेलो 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 सुनीत। हेलो 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 आरती। हेलो आरती सुनाई दे रहा है तुम्हें? हेलो 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 आरती बेचारा। हेलो 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 आरती। हेलो हेलो टाइम हो गया, चलो। भाभी अचानक फोन डेड हो गया। एक्सचेंज का प्रॉब्लम होगा, शाम को आकर देखते हैं, समय हो रहा है, देर हो जाएगी, चलो। इसकी तो सुनीत, कार टायर पंक्चर। टायर पंक्चर? ओ गॉड, टाइम भी हो गया। ठीक है, आप धीरे धीरे आइए, मैं जाकर ऑटो पकड़ता हूँ। बाइक से चलते हैं ना? बाइक में कंफर्टेबल नहीं होगा भाभी। कुछ नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, तुम बाइक निकालो। ये सुंदर सा तोहफा ही नहीं, इसके मायने भी हैं। कुछ रील फेंकने वाले होंगे, फेंको फेंको। ये दोनों दिल प्रेमी हैं, पता है? दिल के बिना प्यार कर सकते हैं क्या? जान है। ओह, यानी इसके अंदर मैडनेस है। यह है मर्दाना, यह है जनाना, इसलिए दोनों में चाहत है। एक वक्त था जब दोनों साथ ही रहा करते थे। अच्छी तरह समझाता हूँ, हम दोनों के बीच में कभी ना खत्म होने वाली एक चाहत है। वो क्यों? Because of nature. हम भी किसी वक्त में एक दिल एक जान रहे होंगे, इसीलिए।
क्या हुआ? सुनीत यहाँ क्यों आए? आरती मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? मैंने क्या गलती की है? चले जाओ, तुमसे मिलना मुझे पसंद नहीं है, तुमसे बात करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, अब से मेरा पीछा न करना। ए, मुझे क्या तूने बेवकूफ समझ रखा है? जब तुम्हारा दिल चाहा प्यार करोगी, मुझे अपनी जिंदगी कहोगी, जब पता चला कि वो तुम पे फिदा हो गया है तो बेवजह उसको आगे पीछे घुमाओगी और पूरी तरह सताओगी। प्यार के इस खेल में हर लड़की एक जैसी होती है, मुझे अभी इसकी वजह जाननी है वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्यों मुझे अपनी खामोशी से मार रही हो? बोल आरती। जाके अपनी भाभी से ही प्यार करो। ए, वो मेरी भाभी है, मेरी माँ जैसी। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती, उन्होंने जो कहा वही मैं कह रही हूँ। कैसे तू इतनी गंदी सोच रख सकती है? वो हरगिज़ ऐसे नहीं बोल सकती। बोला है, मेरे मुंह पे बोला है। मैं नहीं मानता, मैं तो तुझे एक साल से जानता हूँ, उन्हें तो मैंने बचपन से देखा हुआ है। For God's sake, उनके बारे में ऐसे मत बोल। तुम भी तो थिएटर में उनसे इश्क फरमा रहे थे। पगली, मुझे फिर मेरी भाभी के बारे में तू गलत शब्द क्यों नहीं बोलेगी? पहले इस शक की बीमारी को दूर कर। नहीं, सब मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। दफा हो। भाभी मेरी शर्ट डाल के कहाँ से आ रहे हो? भाभी मैं आरती से मिलने गए थे या? भाभी वो आपके बारे में गलत बात कर रही है। बात बदल दी क्या? उसी ने हमारे रिश्ते के बारे में गलत बात की थी, अच्छी तो थी, क्यों अभी एकदम से बदल गई? सुनीत मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कहीं तुम्हें मुझसे अलग न कर दे। अच्छा, क्या बात कर रही है भाभी? तुम भी अगर हमें छोड़ गए तो हम भी तुम्हारे भाभी के तरह। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तुम खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। वो छोटी लड़की है ना, किसी कंफ्यूजन में आकर ऐसी बोल गई होगी। कुछ दिन गैप दो, मैं ही उसे घर लाकर उससे बात करके समस्या हल कर दूंगी। हाँ, तुम खाना खा के सो जाओ, चलो। भाभी हाँ, अब से मैं यहीं सो जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? हम तो सही है भाभी, लेकिन देखने वालों का नजरिया ठीक नहीं। आयशु को साथ लेकर सो जाइए भाभी, मैं यहीं पास में हूं, आप बेफिक्र रहिए। वो मेरी भाभी है, मेरी माँ जैसी। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती। तुम बहुत खराब हो। आजकल मुझसे कुछ बताते ही नहीं। क्या नहीं बोला? तुम शादी करने जा रहे हो। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी तुम मम्मी से शादी करने वाले हो। अशोक ऐसी बातें नहीं करते हैं, समझे? ब्रश करके तैयार हो जाओ।
अशु मम्मी स्कूल का टाइम हो गया। हाँ तैयार हो गई मम्मी। आरती को दे देना, मम्मी को मत बोलना। अशु जल्दी चलो। आई मम्मी। बैग उठा लो। गो। ये लो। अशु पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं, पॉकेट में कुछ नहीं है। मम्मी के जाने बिना चॉकलेट छुपा रही हो? नहीं तो। ठीक है ये लो। माय डियर आरती। स्कूल को पढ़ने जाती है। जाके बोली तो मुंह में आग डाल दूंगी। प्रॉमिस मम्मी मैं नहीं बोलूंगी। अभी बच्ची है। आगे से आपने उस पे हाथ पाया तो आजा बेटा आजा। क्यों रो रही है? आजा आजा। क्या हुआ? चल 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 छोड़ बेटा, बच्ची को जाकर चल बेटा रो मत, मैं तुझे चॉकलेट लेके दूंगा। आजा आजा आजा। चाचा चॉकलेट लेके दे यार। पाने के लिए किसी का खून भी कर देगी। क्या इतनी बुरी औरत है वो? लेकिन सुनीत अभी तक उसके असली रूप को नहीं समझ पाया। ये बहुत डेंजर मसला है आती, पहले सुनीत से मिलकर अपनी जिंदगी का फैसला करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं भी वही सोच रही थी। मालती आप वहीं रहिए, मैं आती हूँ। बोर्ड घुमाओ आती। यही है मिस्टर अनिल, तुमसे मिलाने के लिए उन्हें बुलाया है। वो है, उन्हीं से प्यार करती हो? मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ। कैसे मालती? मैंने इनकी फिजिकल पर्सनालिटी को देखकर प्यार नहीं किया, मैंने प्यार किया है तो इनकी फाइटिंग टेंडेंसी और मेंटल पर्सनालिटी से। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्हें पोलियो का अटैक पड़ा था, जिसकी वजह से दोनों पैरों में खराबी आ गई। परवाह किए बिना वो स्कूल गए, स्कूल में सभी लंगड़ा कहते थे। उसकी भी परवाह किए बिना उन्होंने BCom किया, MBA खत्म किया और आज वो बैंक में मैनेजर है। उनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया और मैं प्यार कर बैठी। ग्रेट, तुम्हें फ्रेंड कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, लेकिन तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे? लगता नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमने एक दूसरे के साथ आखिरी सांस तक जीने का इरादा किया, अगर जी ना सकेंगे तो साथ मर जाएंगे। मूर्खों की तरह बात मत करो, मरने के लिए प्यार करते हैं क्या? साथ जीना है उसके लिए लड़ना होगा। तुम दिल की अच्छी हो, तुम्हारा प्यार जीतेगा, मैं दुआ करूंगी। थैंक्स यार। हेलो मालती। हाँ बोलिए। मैं सुनीत बोल रहा हूँ, आरती तुम्हारे साथ है? आई एम सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी तरह मेरी भाभी की फीलिंग्स भी सही है ना, उनकी डर की वजह तुम हो आरती। मैं भी अगर शादी करके चला गया तो उनका यहाँ अपना कौन है, इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसी बातें की। वो मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ी हैं और अच्छा कमा भी रही हैं, उनकी ये उम्मीदें गलत भी नहीं हैं। उसके लिए मैंने एक फैसला किया है। वो तुम किस ढंग से लेती हो मैं जानता नहीं। हम ही भाभी की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? गुड आइडिया, मैंने भी यही सोचा। कल संडे है, अगले दिन से हमारा यही काम होगा। कैसा काम? दुल्हा ढूंढना। अच्छा है ना? बेकार में पैसे क्यों खर्च करती हैं?
था। हाथ लगाने के लिए बल्ले बल्ले कर रहा है गुरु। मेरा दिल तो सल्ले सल्ले कर रहा है। हो जाए शुरू। बिल वहाँ दे देते हैं। इसका बिल बना दीजिए प्लीज। जी आपको क्या चाहिए सर? सुपर दो हूपर चाहिए। मिलेगा? वो आपको वहाँ पे मिलेगा। हूपर नहीं तो कोई बात नहीं, दो स्पीकर बड़ी साइज का मिलेगा क्या? जल्दी बिल डालो। सर एक मिनट, पैक करके देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं दीजिए। जल्दी कर यार, देरी हो रही यार। हूपर नहीं तो स्पीकर। तू क्यों करता है फिकर? आगे जाके मारेंगे लिकर। हाँ तो मूड को ठीक कर। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? मतलब स्नेह है क्या? पूछिए, अब तो समझ गए होगे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अच्छी तरह समझ गया। मैंने भी आपके लिए एक फैसला किया है। आपकी उम्मीद की तरह हमारे घर में बहुत जल्दी एक शुभ कार्य होने वाला है। रियली थैंक्स। आइए कॉफी लीजिए। थैंक यू। भाभी अभी आती होगी, थोड़ा वेट कीजिए। नो प्रॉब्लम। ये लो लो, भाभी आ गई। आइए भाभी आइए। एक्सक्यूज मी, कौन है? मिस्टर श्रीवास्तव। आपको ही देखने आया है। क्यों? ही इज अनमैरिड। ओ एक्सक्यूज मी, अभी आया। क्यों, लड़की दिखाने के लिए लाए हो? मुझे उसे एक चाय कॉफी वगैरह पिलाना पड़ेगा। नहीं भाभी, मैंने सब रख दिया है। आप एक बार बात तो करके देखिए। अकेले में बात करूं? बेशक, आप ही ने तो साथ जीना है। हम ऊपर बैठे हैं। आरती कम। बोलिए सर। आपको देख लूं? ओ, देख लिया ना। क्या पढ़ाई की है? बीए इकोनॉमिक्स, एक प्राइवेट कंपनी में 3,500 रुपए सैलरी। मैं कहाँ काम करती हूँ, कितना सैलरी लेती हूँ तुम्हें पता है? रेलवे में काम करती हैं, 12,500 रुपए सैलरी। तब मेरा प्लस वगैरह तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मेरा माइनस? जानता हूँ। क्या जानते हो? एक चोट का निशान है आपके दाहिने हाथ में। आपकी 6 साल की एक बेटी भी है। प्यार करके जिस आदमी से शादी की उसने आत्महत्या कर ली। क्यों मेरा पता है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम की वजह से। वो झूठ है। तो मैं तुम्हें सच क्या है बताती हूँ। Help.
वो अपना सुमित कितना अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, देखिए ना, देखिए देखिए ना। मुझे लगता है तुम गलत कर रही हो। सुनीत को इंटरव्यू में जाने से तुमने क्यों रोका? अभी वो काम पे जाके क्या करने? तुम्हारा उसके साथ बिहेवियर स्नेह नहीं लगता। फिर क्या लगता है? उसके मन में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए, मुझे लगता है तुम उसे खराब करना चाहती हो। बिल्कुल। क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे प्यार करती हूँ। हे, वो तेरा बच्चा है, मेरा भाई। तो क्या, वो तुझसे बढ़िया मर्द है, प्रॉमिस। घरेलू लड़की की तरह तुम बात कर रही हो। घरेलू लड़की मतलब दिया जा रहा कि पति के पांव की पूजा करती रहो? खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। कंट्रोल नहीं कर सकती, यही समझ ले। आई डोंट केयर। क्यों नहीं, तू जो बोल रही वो धोखा नहीं लगता? धोखा? तब तूने जो किया वो, तुम होते तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। प्यार करते वक्त क्या क्या एक्टिंग की, बहुत अकलमंद हीरो, हकीकत में तुम हो जीरो। तुमने मुझे धोखा दिया संजय, यू जस्ट चीटेड मी। गलती करो, ये क्या मेरी इच्छा है? दिल करता है उसे देख के, दिल करता है तुम्हें देखो। नहीं नहीं होता, इतने दिन खुशी से रह रही हूँ मैं, ऐसे मैंने एक्टिंग नहीं की, उसी तरह तुम भी एडजस्ट कर लो। बेचारा सा मुंह बना के मत रखो। मेरा भी मन है, फीलिंग्स है, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, समझ गए? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू। साफ साफ कहो, तुम मुझे पसंद नहीं। मैंने जिस तरह का मत सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही है, वो मुझे पसंद है, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए पागल हूँ। किसी के लिए, किसी चीज के लिए मैं उसे नहीं देने वाली। तुम्हारी इच्छा हो तो रहो, नहीं तो जाओ। बस उसी रात उसने फंदा लगा लिया। क्या भाभी, आप उसे अकेला छोड़ के आ गए? वो चला गया। क्यों? एक सच बताया, भाग गया। क्या हो गया? तो कोई बात नहीं दीदी, हम दूसरा लड़का देखेंगे। तू क्या ब्रोकर है? भाभी, मेरे लिए लड़का देखना छोड़, खुद के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए अपने घर में बोल। आरती 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 आरती, मेरी बात सुन। भाभी ऐसी बातें क्यों कर रही है आप? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम किसी को भी लेके आओगे और मैं तुम्हारे लिए उसे शादी कर लूंगी, उसके साथ परिवार चलाऊं, परिवार बसाया, बच्चा होगा, वो अपने बच्चे से प्यार करेगा। इस बीच ये सुंदरता, मेरी जवानी सब चली जाएगी, तुम भी अपने परिवार के साथ अलग जाके बस जाओगे, तब तुम्हारे भैया की बेटी का क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। वो सड़क के बीच खड़ी होगी भिखारिन की तरह। आपके मन में क्या है? अपनी भतीजी के तुम ही बिल्कुल सही पिता हो सकते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी चॉइस तुम हो। भाभी! अब से मुझे ऐसे मत बुलाना। Damn it! हेलो आनंद। बोल
बोल यार। फौरन एक कार का इंतजाम करो, कुछ फूल फल माला खरीद ले और फ्रेंड्स को लेकर मेरे घर आ जा। जाना कहाँ है? आरती के घर। आरती के घर? सिद्धू कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारी साथ आऊंगी। तेरे एग्जाम्स है ना, तू जाकर पढ़। अगले दो दिन छुट्टी है ना? कहना मान। मम्मी 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 सिद्धू बाहर जा रहा है। मम्मी मुझे भी लेने के लिए कहो ना मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी कहो ना मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी तुम कहोगे तो मान जाएंगे मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी कहो ना मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी बोलो ना प्लीज। मम्मी प्लीज मम्मी जल्दी आओ प्लीज। मम्मी आओ ना प्लीज मम्मी। मम्मी प्लीज मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी मम्मी जा रहा है मम्मी। मम्मी प्लीज। कार रोको। मम्मी प्लीज मम्मी। आशु थोड़ी देर सोएगी, उठने के बाद खाने के लिए दे दीजिए। बस हो गया बेटा, हो गया हो गया। मैं सुनीत बोल रहा हूं। कल मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम्हारा हाथ मांगने। रियली रियली अपने घर पे सबको बोल देना। बाय। मां बाप के आशीर्वाद से प्रेमी के साथ शादी होना किस्मत की बात है। शी इज वेरी लकी। अपनी आरती हमारे सुनीत को दे रहे हैं, खुशी की बात है। वैसे देखा जाए तो मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ। बिल्कुल। मैंने भी आरती की तरह सुनीत के भैया से प्यार करके शादी की। उनके लिए मुझे जो कुछ खोना नहीं था सब खो दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। जिस दिन वो गए मैं भी चली गई होती। सुनीत के लिए स्नेह से ही मैं अभी तक जिंदा हूं। वो स्नेह मैं खोना नहीं चाहती। उन्हें छोड़ दो। क्या बोल रही है? सुनीत मुझे दे दो प्लीज। पता है ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों में तो लिंक है। हम्म।
अपने बेटे के लिए कोई और बढ़िया लड़का ढूंढिए। अरे भैया, इसे क्यों काट रहे? जो भी हद से बढ़ जाता है उसे काटना ही पड़ता है। भैया, भैया, भैया प्लीज। छोड़ दो मुझे। भैया, भैया प्लीज, भैया। हाय, चल ले ओ। तू यहाँ क्यों है? दफा हो जा। भैया, दफा हो जा। सर, दफा हो जा। क्या हुआ सर? क्या नया सुनने वाला है? दफा हो जा। सर, मैं कहता हूँ निकल जा। मेरी बात निकल जा। तो क्या? अपनी फूल से बेटी तुझ गुंडे के गले मर दे? वैसा लड़का नहीं हो। क्या वैसा लड़का नहीं है? तेरी भाभी आकर कहती है उसका और तेरा तो लिंक है। मेरी भाभी, उनका विश्वास निकल जा। वो हमें अलग करने के लिए सब बातें कर रही है। तू बड़ा काबिल हो सकता है, लेकिन लेकिन उस वेश्या के घर में अपने बैठे ऐसी बातें मत कर। छोड़ दो, निकल जा, हट जा, निकल जा, देर निकल जा, बाहर निकल जा। छोड़ दो, मत कर ये सब। चले जाओ, आपसे इस तरफ मत आना। चलते हैं, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। सुन लिया ना, दफा हो जा, ले जाओ इसको अंदर, ले जाओ। अभी चला, बाद में देखेंगे इसको। चल ना, चल। कैसा गंदा खानदान है। दिल से दिल मिल गया मुझसे, कैसी ये हया। दिल से क्या हुआ? पी रखी है क्या? मुझे क्यों ऐसे टॉर्चर कर रही हो? तुझे, आपकी मैं कितनी इज्जत करता हूं मालूम है? आरती के घर जाके आपने ऐसी क्यों बातें की? बोलिए, बोलिए मुझे, बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, मुझे जवाब चाहिए। तुम दोनों को अलग करना था बस। इसका मतलब आपने झूठ बोला ना? हम दोनों के बीच में कुछ गलत संबंध है, वो भी झूठी है ना? झूठी है ना? बोलिए, झूठ है ना? बिल्कुल झूठ है, लेकिन सोसाइटी के लोगों के लिए सच है। सुनीत, खेलो मत, वो मुझे दो। अब तुम लाख कोशिश भी करो, मुझे और आरती को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा कहना मानो, जल्दबाजी मत करो, वो मुझे दो। इट्स ओवर। सुनीत, सुनीत मुझे, सुनीत, सुनीत, आपका खेल यही खत्म हो गया। माइंड इट। समझती हूँ सुनीत, लेकिन इसे सुनने के बाद भी मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर बोलो क्या करें? हम खुद ही मैरिज कर ले। चल ठीक है, सुबह होने से पहले किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। चल। लगा हुआ है, चाबी कहाँ है? चाबी यहां है। अबे धीरे से चिल्ला, मेरी नींद खराब हो रही है। अरे जितने पैसे कम से कम उतने डंडे तो खिला ससुरे को। सर, मत मारिए सर। साथ से मिलो। सर, सर उनसे कहिए कि वो माना बंद कर दे सर। चोर की वकालत कर रही है? तू कौन है रानी? मैं उसकी भाभी हूँ, वो चोर नहीं है, उसकी एम्प्लॉई है। तुझे पता नहीं, पढ़े लिखे लोग ही आजकल चोरी कर रहे हैं। तू भाई मारना बंद कर दिया, उस आवाज के बिना मुझे नींद नहीं आती है। मार डाले को। सर, ये क्या बोल रहे हो? नहीं, मत मारिए सर, बंद करने के लिए बोलिए सर। 5,000 रुपए मिले इसलिए मार रहे हैं सर। मैं 10,000 देती हूँ, रोकने के लिए बोलिए सर, प्लीज सर रोकिए। रुक दो भाई,
जवान औरत आधी रात में आके गिड़गिड़ा रहे, जरा भी तरस खाए बिना मारते जा रहे। अबे छोड़ दो भाई, पढ़े लिखे कहते हो, चोरी करनी तो छुपा कर करना नहीं जानता। ऐसी एक भाभी मुझे नहीं मिली, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आइंदा कभी भी सोच समझ के गलती करना। जा जा जा। थैंक यू सर। ठीक है भाभी, कभी कभार दर्शन देना। उसके भाई ने पैसे देकर तुम्हें मारने को कहा, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तो मुझे समझ जाओ। आज मारने के लिए टच किया है, बहुत जल्द ही। नो नो थैंक्स। आरती तुम्हें पसंद है? ऑफ कोर्स यार, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तुम उसे पसंद नहीं। व्हाट? तुम ही नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जिसे पसंद करती है वो इसी शहर में है। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि शादी के बाद तुम्हें पता चलने पर मेरी बहन को दुख नहीं पहुंचाओगे। छी छी, मेरी सोच इतनी घटिया नहीं है। आजकल प्यार कौन नहीं करता। आपकी बहन मुझे पसंद है, उसके अलावा आपका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। अब अगर मुझ पे यकीन है तो मैं शादी कर लूंगा। अपनी बहन से पूछ लीजिए। वो सबको सुन रही है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो हर हाल में शादी के लिए राजी होगी। ओके, दैट्स कूल साले साहब। आओ जो माय राजा। पापा देखिए इधर कितना बड़ा झूला है। ऐसा कुछ भी नहीं है साले साहब। क्यों, इतने में लड़के पे जादू कर दिया? उससे पहले तो आपके बेटे ने मुझ पर जादू कर दिया। बैठो, इस खुशी के मौके पर हम सगाई की रस्म पूरी कर देते हैं। कर देंगे, पर उसका इंतजाम तो करके हम आए ही नहीं। हम तैयार हैं। अंगूठी पहनाने का मतलब सगाई की रस्म पूरी हो गई। ये मत सोचिए कि सगाई बड़े सस्ते में निपटा रहा हूँ, शादी तो बड़े धूमधाम से करूंगा। अमृता, आरती को बुला के लाना। लक्ष्मी की तरह है ये लड़की। जमाई राजा इधर आइए। छियो ये लीजिए, आरती को पहनाइए। आरती, जमाई राजा को पहनाओ। ही आई थी, अगले हफ्ते उसकी शादी है। तुम फिक्र मत करो, उसके दो दिन पहले अपनी शादी रख लेते हैं। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? मैं आपको माँ की तरह देखता हूँ। चीची, ये रामायण नहीं है। लक्ष्मण ने बोल दिया तो बस, भाभी को हर कोई माँ ही बोलने लगा। भाभी तो अर्धांगनी है। आप जो बातें कर रही हो आपको गलत नहीं लगती? इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हारे भैया की वजह मैं मर गई होती, मेरी बेटी को एक माँ चाहिए, इसलिए मेरी बहन की शादी उनसे कर देते ना। अभी तुम्हारे भाई चले गए हैं, तुम हो, मेरी शादी तुमसे हो, इसमें गलत बात क्या है? तुम्हारे लिए एक न्याय और मेरे लिए एक न्याय। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जो आप सोच रही मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, मुमकिन कर दिखाऊंगी। मैं मर जाऊं तब भी नहीं। यीशु मर गई तो भी नहीं। अरे माँ, उनकी उम्मीद से दुगना करेंगे। सचमुच दामाद बहुत अच्छा है, जितना करो कम है। डैडी डैडी, वहाँ शूटिंग हो रही है, देख के चलते हैं ना। चुपचाप बैठो, कार में बहुत सारे जेवर हैं, कहीं नहीं जाना। अरे बेटा, छोटा बच्चा ही तो है, लेकर जाओ, मैं यहाँ बैठी रहती हूँ। ठीक है माँ, देख के जल्दी आ जाना। ओके डैडी। सुनो भाई, कौन सी पिक्चर है, क्या शूटिंग है? शूटिंग? अरे दो प्रेमी ने आत्महत्या कर लिया है। शूटिंग? आरती, अरे आरती तू कहाँ जा रही है? आरती, लगता है कहीं देखा है। ये हमारे इंडियन बैंक का मैनेजर था सर। इतना पढ़ा लिखा और इतने अच्छे ओहदे पे होने के बावजूद इसने एक लड़की के लिए जान दे दी सर। गलत बात है भैया।
मांगते। हमने एक दूसरे के साथ आखिरी सांस तक जीने का इरादा किया, अगर जी ना सकेंगे तो साथ मर जाएंगे। मौत को भी साथ में गले लगा लिया, यही है प्यार। हाँ हाँ, ये सब देखने पर ही लगता है कि प्यार है, अभी भी जिंदा है। एक विकलांग से प्यार किया और उसी के साथ मर गई, इसे कहते हैं लड़की। ऐसे बहुत से लड़के लड़की हैं। घर में प्रॉब्लम आई, प्रेम करने वाली को सस्ती चॉकलेट देकर शादी करने के बहाने डांस करके भाग गए और साथ में फिर मर गए। चलो चलो भैया, ये मेरी फ्रेंड मांगती। वो नहीं है, चलो यहाँ से। चलो ना भैया, चलो ना भैया, उसके घर फोन करते हैं। चलो 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 पीछे हटो। चलो भाई चलो। क्या करो, एक बीयर मारने के लिए 10 बार सोचते हो, आज पूरी बॉटल लेके बैठे हो। गुरु आराम से, कुछ हो जाएगा। होने के लिए तो पी रहा हूं। गुरु कहना मानो, बहुत हो गया, धीरे धीरे पियो, पहले साइड डिश खाओ। खाओ भी। राइट, तुम ही सही थे, मैं गलत हूं गुरु। प्यार दूर से देखो तो लगता है कॉमेडी, लेकिन पास जाकर देखो तो है सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जो तुमने कहा था बिल्कुल सही कहा था। क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को कुछ? उसका क्या, वो तो अच्छी है, उसकी तो सगाई भी हो गई। एक प्यार फेल हो जाए तो किसी और से करो, मैंने कहा था ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी उसने, सब गलत है आनंद। यहां एक बार फेल हुआ तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। गुरु तुम तो 5 बार फेल हुए, तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा? मुझे माफ कर देना गुरु, माफ कर देना। अरे वो भी कोई बात है गुरु, भूल जाओ सब। क्या भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं, ये प्यार कहां से आया? इस तरह के ये अजीब से रिश्ते, ये नॉनसेंस लव, ये जज्बे जिसने हमारे अंदर डाले हुए, भगवान मेरे हाथ आ जाए तो उसे। अरे खून, चलो डॉक्टर के पास। अरे यार, इससे बड़े बड़े जख्म मेरे दिल के अंदर है। प्यार करना नहीं चाहिए, अरे या किया तो फेल नहीं होना चाहिए। फेल हो गए तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। अंदर गुरु, गुरु क्या ये सब? गुरु इधर इधर देख गुरु। यही पर रुक दो। थैंक्स बॉस। सुनीत, ये हाथ छुड़ा, काट डालूंगा। तुम्हारे हाथों से मरूं ये मेरा नसीब होगा। तू औरत है, चलो चल मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे गाली देने से, अपने हाथों में जख्म कर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका तो एक ही हल है, मुझे अपना लो या दुनिया से बता दो। दोनों को मैं तैयार हूँ, फैसला तुम पर है, प्लीज। आंटी आज टीवी में बढ़िया पिक्चर आ रही है, चलो ना देखते हैं। शादी कर लेते हैं। अरे मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ।
सभी वहां है, तुम अकेली यहां क्या कर रही हो? चार दिनों के बाद तुम दूर चले जाओगे ना, इसीलिए तुम्हारे करीब आ रही हूँ। लड़की का जन्म लिया है तो इस उम्र में अलग होना ही है। एक बेटी का माँ बाप से बिछड़ने वाली बात तो समझ आई, मगर मन को भाने वाले से बिछड़ना नहीं समझ पाई। चैन से जी रहे थे तुम्हारे परिवार वाले, लेकिन तुम्हारे बचपने ने तूफान खड़ा कर दिया। इस तूफान से मैं नहीं डरती, उसके बाद आने वाली शांति का मुझे इंतजार रहेगा। जब तक मैं जिंदा रहूं तू मेरे बारे में सोचती रहेगी, अगर मैं मर जाऊं तो। अच्छी बात कही, मैं भी यही सोच रही थी। एक साथ हम जी तो नहीं पाए, नींद आ रही है। एक साथ हो सकते हैं। अच्छा, मेरी बात मेरे मुंह में ही डाल दी, पहले भाग चले अब मर जाए। दरवाजा खुला रखूंगी। तुम मेरे मन की भावना क्यों नहीं समझ रहे? समझ कर अनजान बन रहे हो। हेलो, आरती बोल रही हूँ। आरती कैसी है तुम? तुम्हारे यादों में थोड़ा थोड़ा करके मर रही हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती सुनीत, तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ। मत रो, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, मत रो। तुम घर पे ही हो ना? मैं अभी आता हूँ। यहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत है, मैं ही आती हूँ। हमारी जिंदगी के लिए मैंने एक फैसला कर लिया है, सुबह 9 बजे लवर्स हिल पे आ जाओ। ओके, आता हूँ। कौन है? मैं सुनीत हूँ। सुनीत, आता हूँ। क्या गुरु, इस वक्त कैसे? बताता हूँ। अगर मेरे आने में देर हो गई तो आयशु को तुम ही संभालना। ठीक है गुरु। उसकी माँ को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। और खर्चे के लिए थोड़े पैसे। नहीं नहीं, 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 नहीं रख लो, रख लो, रख लो। ख्याल रखना। हेलो, अब तो तुम खुश हो ना? कौन बोल रही है? आरती की भाभी, वो दोनों खुदकुशी करने गए हैं, अब क्या कर लोगी? क्या कह रही है? लवर हिल पे जाओ, उनकी बॉडी मिलेगी, उसे साथ रख लेना। छी, तू भी कोई औरत है? मेरी बेटी
वो हमें कुछ नहीं आएंगे और जुदा कर देंगे, हमें जुदा नहीं होना है, हमें कोई नहीं अलग कर सकता, हम दुनिया से ही जुदा हो जाते हैं सुनीत। मैं भी उसी इरादे से आया हूं, साथ जीने ही नहीं दे रहे ना, साथ मरने से तो नहीं रोक सकते। चल होगा, वो कुछ नहीं करेगी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, मैं देख कर आता हूँ, शांत हो जाओ। माँ टायर पंचर हो गया, यही वो हिल है, मैं देख कर आता हूँ, तुम हिम्मत रखो, मैं अभी आया। घर वालों ने मेरी शादी की तारीख तय कर दी है। सुना है? सगाई भी होगी, इसलिए हमारी जिंदगी के लिए मैंने अंतिम फैसला किया। मैंने भी, मेरे साथ चलो, हम कहीं और जाकर शादी करके अपनी प्यारी सी जिंदगी जीते हैं। नहीं, मैं भाग कर नहीं आऊंगी। फिर क्या करना चाहते हो? मर जाते हैं, साथ मर जाते हैं सुनीत, साथ जीने नहीं दे रहे हैं वो, साथ मर जाएंगे तो क्या कर लेंगे? जो बात कर रही हो क्या पूरे होश में कर रही हो? हाँ सुनीत, साथ जी नहीं सके तो क्या, कम से कम मर के तो साथ जी ले। अगर मैं ना मानूं? मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार के कसम में वादे सब झूठ थे। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए अपनी जान दे दूं? हमारे प्यार से बढ़कर तुम्हें जिंदगी है? बेशक, हर चीज से बढ़कर है जान, प्यार के लिए अपनी जान देना बेवकूफी है। मैं हमारे प्यार के लिए मरने जा रही हूँ, तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, जाओ। आती रुक जा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो, चले जाओ। नहीं आरती, मैं तो सिर्फ तुम्हें परखने की कोशिश कर रहा था, अगर तुम ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा? तो आ जाओ, साथ मरेंगे। आरती तुम अकलमंद हो, समझदार हो, ये सोचकर मैं तुमसे प्यार किया? अगर पता होता कि तुम इतनी ना समझो, मैं कभी तुमसे प्यार ना करता। वो हमें साथ जीने नहीं देंगे। मैं हर किस तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो हमारा प्यार मर जाए। अगर प्यार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो किसी की फिक्र मत करो, अपना घर बार माता पिता सबको भूल कर मेरे साथ चल, हम साथ जिएंगे। अगर हम ही मर गए तो हमारा प्यार भी मर जाएगा। अपने प्यार को मैं कभी नहीं मरने दूंगा। अरे तुम्हें मारने के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारे साथ मैं जीना चाहता हूँ, किसी कारण भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, प्यार से ज्यादा कीमती है जिंदगी, प्यार के लिए जान देना बेवकूफी है। हमारे मरने से हमारा प्यार नहीं जीतने वाला, हम जीकर अपने प्यार को जिताएंगे, जीत कर दिखाएंगे। वाह क्या ख्यालात हैं, मुझे तुम पर नाज है, इतने साफ नजरिए के जमाई राजा को मैं खोना नहीं चाहता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अपने प्यार का हाथ पकड़ो और घर चलो, तुम्हारा प्यार जीत गया।
मैं तुम्हें पाना चाहती थी इसलिए तुम दोनों को इतना सताया, लेकिन आरती तो तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हो गई। मैं स्वाति हो गई और ये त्यागी बन गई। तुम दोनों का मिलना ही ठीक रहेगा। अब से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। देवर भाभी के भाग रिश्ते को बदनाम किया है मैंने। भाभी तो माँ समान होती है, ये मैं भूल गई। लेकिन मैं जानती हूँ तुम तो मुझे माफ कर दोगे, सभी मुझे माफ कर देंगे। तुम दोनों मिलकर खुशी से जियो, वो मैं देखूं, देखते ही रहूं। तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के लिए ही बने हो। आ!